हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है निफ्टी आईटी का इंडेक्स में क्या काम होता है, निफ्टी इंडेक्सेस कैसे चलते हैं आईटी के शेयर्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है और काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं। बट इसके अंदर जो आईटी के जो शेयर्स आते हैं वो सारे शेयर्स इसमें भी नहीं आते हैं, बस खाली कुछ चुनिंदा लार्ज कैपिटल स्टॉक्स होते हैं। आज जानेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं और कैसे शुरुआत हुई इसकी। अगर निफ्टी आईटी के बारे में देखते हैं तो ये है आईटी कंपनीज का इंडेक्स है, एक ये वाला द निफ्टी आईटी इंडेक्स कैप्चर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज। द निफ्टी आईटी इंडेक्स में 10 कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो NSE में जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर ओनली 10 कंपनीज होती हैं जो इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। द निफ्टी आईटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड विद ए बेस डेट ऑफ 1 जनवरी 1996। जो इसकी जो बेस डेट हैगी वो है 1996 की। इंडेक्स टू ए बेस वैल्यू ऑफ ₹1000 वेर इन द लेवल ऑफ द इंडेक्स रिफ्लेक्ट टोटल फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स इन द इंडेक्स रिलेटिव टू ए पार्टिकुलर बेस। मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू द बेस वैल्यू ऑफ द इंडेक्स डिवाइज 1000 to 100। पहले जितने भी जो सभी की जो बेस वैल्यू होती थी वो 1000 से स्टार्ट होते थे, बट इसकी जो स्टार्ट हुई है वो 100 रुपीज से स्टार्ट हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 28/2004। पहले जो इंडेक्स स्टार्ट होते थे वो 100 रुपीज से स्टार्ट होते थे, 100 की वैल्यू होती थी उनकी, और अब जो उनकी वैल्यू 2004 से कर दी गई थी 1000 के आसपास। निफ्टी आईटी इंडेक्स कैन बी यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेस सच एज बेंच मार्किंग फंड, पोर्टफोलियो लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स, ETF एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है इसे आईटी इंडेक्स का। अगर ओवरऑल और इसमें और चीज देखी जाए आईटी इंडेक्स के अंदर, अगर इसका देखा जाए तो पीरियोडिक कैपिटल फ्री फ्लोट मार्केट है इसका, और इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 10 स्टॉक्स हैंगे इसमें, और इसमें जो बेस डेट है इसकी वो है January 1, 1996। और अगर इसकी अगर हम बेस वैल्यू की बारे में बात करें तो इसका बेस वैल्यू है 100 रुपीज़, जो मैंने आपको अभी बताया था 100 के आसपास का इसका बेस वैल्यू है। और जो इसका कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है वो रियल टाइम बेसिस पे है, और इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है इसकी भी सेम इंडेक्सेस की बेसिस पे, सेम सेमी एंड एनुअली बेसिस पे इसकी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है। अगर हम इसके इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में देखें, अभी तक इंडेक्स ने क्या परफॉर्म किया है, क्वार्टर, ईयरली या ईयर टू टिल डेट, 5 ईयर या सिंस, तो अगर हम देखते हैं तो इसका जो रिटर्न है इसका क्वार्टरली वो है 20.09, टोटल रहेगा 20.77। अगर ईयर के हिसाब से देखा है ईयर टू टिल डेट ये है आपका 44.44%, और जो अभी तक है 46.22। अगर एक साल के इंडेक्स की अगर बात करें तो 1 ईयर जो होता है आपका वो है 75.57% के आसपास इसने अभी तक रिटर्न दिया है एक साल में, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है एक तरह से। और वैसे अगर देखा जाए तो 78.89 के आसपास का है, और 5 ईयर्स के आसपास का अगर देखा जाए इसका इंडेक्स का रिजल्ट तो 27.76 का है, और अभी टोटल में है 30.34। और जब से इसकी हिस्ट्री देखी जाए, जब से ये इंडेक्स ने बना स्टार्ट हुआ है अभी तक जो इसने रिटर्न दिया है वो है 25.53 के आसपास का। अगर स्टैटिक्स की अगर बात करें हम इसमें तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक साल का वो है आपका 20.15, 5 ईयर का है 21.25, एंड अभी तक का जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 34.47 के आसपास का है। अगर इसमें हम निफ्टी के बीटा के साथ में बात करें तो इसका 0.70 के साथ है इसका एक ईयर 1 ईयर में, और 5 साल में भी इसका 0.70 है, और अभी तक जो है 0.96 के आसपास है। अगर हम इसके निफ्टी के कोरिलेशन के बारे में बात करें तो जो निफ्टी के साथ जो इसका कोरिलेशन है इसमें है 0.54 एक साल का है, 5 ईयर्स का 0.60, और जो अभी तक है इसका वो है 0.66% के आसपास का। अगर हम फंडामेंटली अगर इसको देखा जाए तो फंडामेंटली के अंदर फंडामेंटल में जो इसका जो पी है अभी तक इंडेक्स का वो है 36.81%, जो काफी ज्यादा है एक तरह से।
अगर प्रॉफिट और बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो जो इसकी बुक वैल्यू है वो है 10.66 ज्यादा है प्रॉफिट और बुक वैल्यू इसकी, और जो डिविडेंड यील्ड है इसका वो है 1.43% के आसपास। अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं इसके अंदर अभी भी आईटी स्टॉक्स से, तो रिटर्न भी काफी अच्छा मिला इसमें। अगर हम इसमें वेटेज के बारे में अगर बात करें स्टॉक्स के अंदर कि कौन कौन से स्टॉक कितनी कितनी वेटेज रखते हैं इसमें, तो वो जानेंगे अभी। जो इसमें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है अपनी इंफोसिस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की। जो इंफोसिस की जो वेटेज है वो है 26.85% एंड जो टाटा TCS डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो उसकी वेटेज है 26.25%। अगर दोनों वेटेज की अगर बात की जाए तो दोनों की जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली आपके 53% के आसपास की वेटेज बनती है इनकी अभी। अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट में अगर देखा जाए जो दूसरा है वो है SCL टेक्नोलॉजी। SCL टेक्नोलॉजी की जो वेटेज है वो है 9.32% के आसपास है। फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है विप्रो लिमिटेड। जो विप्रो की जो इसमें आईटी सेक्टर में जो वेटेज है वो है 9.1% के आसपास। फिर इसके बाद जो सिंबल आता है वो है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो इसकी वेटेज है 8.90% के आसपास इसकी वेटेज आएगी अभी। फिर इसके बाद आता है माइंडट्री लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है 5% है आईटी इंडेक्स में। इसके बाद आता है लर्चन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड LITL, जिसकी वेटेज है आपकी 4.87% के आसपास। इसके बाद आता है आपका एम्फेसिस लिमिटेड, जिसकी वेटेज है इंडेक्स में 4.74% के आसपास। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्क्रिप्ट सीओ फोर्स लिमिटेड, इसकी वेटेज है 2.53। इसके बाद आता है एलएनटी इंफोटेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड LTIL, 2.38% के आसपास की इसकी इंडेक्स में वेटेज है। अगर हम इन ओवरऑल वेटेज के बारे में देखें तो मोस्टली ये दो ही स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा वेटेज इस इंडेक्स में रखती है। अगर ज़्यादातर अगर इन बुलिश या बियरिश जो ट्रेंड होते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं जब इंडेक्स ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप जानते हैं इसके बिहेवियर के बारे में कि इंडेक्स अपना बिहेव कैसे करता है और क्या क्या इसमें फैक्टर होते हैं, क्या क्या चीज़ बैलेंसिंग की जाती है इंडेक्स के अंदर, और जो इसकी जो अभी तक की कहानी थी उसके अंदर क्या क्या रहा है इसमें। अभी अगर ये देखा जाए जो 100 रुपए से जो इंडेक्स चलना अभी स्टार्ट हुआ था 1996 के आसपास 100 रुपीज के आसपास स्टार्ट हुआ था, 2000 के आसपास 10,000 रुपए तक भी गया है जबकि काफी बुलिश ट्रेंड था आईटी सेक्टर के अंदर। फिर बाद में नीचे तक भी आया कम से कम 1000 के आसपास 1500 के आसपास। फिर इसके बाद फिर ये बुलिश चलता गया और फिर ये अभी अप्रोक्सीमेटली नीचे था 11-12 हज़ार के आसपास, और अभी जो करंट के आसपास का अगर प्राइस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 39,000 के आसपास तक अभी ये हाई बना के आया, 38-39,000 के आसपास का। अगर आईटी स्टॉक्स का काफ़ी बुलिश एंड बेरिश और काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स रहते हैं। अगर इसकी मेथोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया इसका, इस इंडेक्स में जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया सिलेक्शन का इसमें है कंपनी शुड बी पार्ट फ्रॉम निफ्टी 500 एट द टाइम ऑफ रिव्यू। जब अगर इसमें अगर रिव्यू कर रहे हैं इंडेक्स को तो निफ्टी 500 में जरूर होना चाहिए। इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर सेक्टर निफ्टी 50 निफ्टी 500 फॉल्स बिलो 10 देन डेफिशिएंट नंबर ऑफ स्टॉक शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक रैंक्ड विद इन टॉप 800 बेस ऑन बोथ एवरेज डेली टर्नओवर, यानी कि डेली टर्नओवर और एवरेज डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस 6 मंथ्स या पीरियड डाटा यूज्ड ऑफ इंडेक्स रिबैलेंसिंग ऑफ निफ्टी 500। अगर हम दूसरा क्रिटेरिया इसका देखते हैं, फर्स्ट क्रिटेरिया हो गया, सेकंड क्रिटेरिया है आपका कंपनी शुड बी पार्ट फ्रॉम ए आईटी सेक्टर, कंपनी को आईटी सेक्टर में होना जरूरी होता है। थर्ड क्रिटेरिया इसका द कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 90% इन द लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ्स में 90% के आसपास इसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्रिटेरिया, द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ, यानी कंपनी एक्सचेंज में 6 महीने तक कम से कम लिस्टिंग होनी चाहिए। ए कंपनी विच कम्स आउट विद IPO विल बी एलिजिबल ऑफ इंक्लूजन इन द इंडेक्स इफ इट फुलफिल द नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया ऑफ इंडेक्स ऑफ ए 3 मंथ्स एंड इंस्टेंट ऑफ 6 मंथ।
और जो इसका दूसरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ऑफ 10 कंपनी शैल बी डन बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ए प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कंपनीज दैट द अवेलेबल ऑफ ट्रेडिंग इन NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। यानी कि जो कंपनी है वो NSE के F&O सेगमेंट में भी लिस्टेड होनी चाहिए इसमें स्टॉक में इंडेक्स में आने के लिए। अब जो इसका अगर हम वेटेज के बारे में बात करें इंडेक्स के अंदर कि एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो वेटेज है वेटेज ऑफ ईच स्टॉक इन द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सच दैट नो सिंगल स्टॉक नॉट बी मोर देन 33%। अभी कोई भी स्टॉक 33% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो हमने लास्ट में देखा अभी TCS एंड इन्फोसिस 26% के आसपास की इसकी इंडेक्स में वेटेज है, 33% अभी वेटेज नहीं है। बट इसकी एक डेटा हो रहा है एंड वेटेज ऑफ टॉप 3 स्टॉक्स क्यूमुलेटिव शैल नॉट बी मोर देन 62%। यानी कि जो 3 स्टॉक्स हैं उनकी टोटल जो वैल्यू है 62% से अबोव नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। और इसको रीबैलेंसिंग किया कैसे जाता है और कब कब इसका रीबैलेंसिंग होता है इसके बारे में बताते हैं, देखते हैं। जो इसका जो रीबैलेंसिंग होता है इसका रीबैलेंसिंग होता है सेमी एंड एनुअली बेसिस पे। द कट ऑफ डेट इसकी जो डेट है वो है 31 जनवरी है और दूसरी है सेमी एनुअली रिव्यू ऑफ 31 जुलाई, सेकेंड है 31 जुलाई एंड 31 जनवरी। इंडेक्स एवरेज डाटा फॉर 6 मंथ्स एंडिंग द कट ऑफ डेट इज कंसिडर्ड 4 वीक्स प्रायर नोटिस इज गिवेन टू मार्केट फ्रॉम डेट ऑफ चेंज। जो ये दोबारा जो चेंज के लिए देखा जाता है वो है 4 वीक्स के पहले देख लिया जाता है कि आपको इंडेक्स में स्टॉक्स आने हैं या जाने हैं। इसके लिए आपको एक्सचेंज नोटिस दे देता है कि कैसे इसमें स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स आएंगे और कौन से स्टॉक जाएंगे। थैंक यू।